तो आइए देखते हैं कि एक ऑडियो फाइल को वीडियो फाइल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपने कोई ट्यूटोरियल या कोई और चीज रिकॉर्ड की हो और उसकी एक MP3 फाइल बनाई हो और आप चाहते हैं कि उसे YouTube पे डालें या Facebook पे भी डालें, तो आमतौर से केवल ऑडियो फाइल डालना कई जगह या तो अलाउड नहीं है या वो स्क्रीन पे सही नज़र नहीं आता। एक ब्लैक स्क्रीन अच्छी नहीं रहती। तो ऐसे में हम किसी भी ऑडियो फाइल को वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं और स्क्रीन पे हम जो टेक्स्ट या कुछ लोगो या कुछ ग्राफिक एनिमेशन वगैरह जो भी चाहें वो दिखा सकते हैं। ये करने के कई तरीके हैं। कुछ ऑनलाइन वेबसाइट्स भी हैं जिनमें सिर्फ आप ऑडियो फाइल इंपोर्ट कर सकते हैं और वो कुछ ग्राफिक्स वगैरह सजेस्ट करते हैं, उनसे आप बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको ज़्यादा कंट्रोल चाहिए और एक्सेसिबल वे में करना है, स्क्रीन रीडर के साथ करना है, तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें सिर्फ कुछ ही एक दो स्टेप्स ही हैं। तो पहले तो आप एक अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना लें, चाहे एक ही स्लाइड बनाए या एक से ज़्यादा, जिसमें कि आप जो भी वीडियो के बैकग्राउंड में लिखना चाहते हैं वो डाल दीजिए। जैसे अभी मैंने एक 3 स्लाइड्स बनाए हैं। मैंने पहली स्लाइड में मैंने लिखा है टर्निंग ऑफ बैकग्राउंड एप्स, जो ट्यूटोरियल है जिसका ऑडियो फाइल मेरे पास है उसका नाम लिख दिया मैंने, जैसे एग्जांपल के लिए लोगो भी डाल दिया। तो पावर पॉइंट तो स्क्रीन रीडर जॉज NVDA के साथ आसानी से यूज कर सकते हैं। Escape object level turning off background apps in Windows 10 with Yunjay Kumar। जैसे आपने देखा कि ये है इसका टाइटल। फिलहाल मैंने सोचा कि जो वीडियो जब बन जाए और चले तो थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ और स्क्रीन्स भी आए, एक ही स्क्रीन मोनोटोनस ना रहे, इसलिए मैंने 2 और स्लाइड फिलहाल डाल दी है ताकि बीच बीच में स्लाइड चेंज हो। ये कोई जरूरी नहीं है, ये आपकी मर्जी के ऊपर है। यहाँ पे हमने एक लोगो भी डाला है picture overlaps bottom right corner। और मैंने तो एक GIF एक एनिमेशन भी डाला है picture through the last time that। ये एक ऑडियो वेव्स की तरह स्क्रीन पे नजर आता है, एक जैसे लोगों को ये आवाज होता है कि हाँ कुछ चल रहा है। अगर आपका ऑडियो वॉल्यूम कम भी हो title, तो विजुअली देखने में अच्छा लगता है, लेकिन ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है, ये तो कोई जरूरी चीज नहीं है। तो अब हमें चाहिए अब वो ऑडियो फाइल जो हम जिसे वीडियो में कन्वर्ट करना चाहते हैं। वीडियो टेस्ट। तो यहाँ मेरे पास मैंने एक ऑडियो फाइल ढूंढ रखी है। एंटर। हेलो फ्रेंड्स। ऑडियो टू। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि विंडोज 10 में बैकग्राउंड ऐप। ये ऑडियो फाइल का मैंने आपको एक थोड़ा सा एक सुनाया। ये ऑडियो फाइल को वीडियो में कन्वर्ट करना है, फिलहाल MP3 फाइल है। इस फाइल को हमें अपने प्रेजेंटेशन में पावर पॉइंट में अपनी स्लाइड पे पेस्ट करना है। video background.ppt audio। हम सिंपली कॉपी एंड पेस्ट भी कर सकते हैं या जो इंपोर्ट मेथड होता है उसके थ्रू भी कर सकते हैं। मैंने अभी सिंपली उस फाइल को अपने फोल्डर से कॉपी करके पेस्ट कर दिया और इस स्लाइड में वो कहीं भी किसी भी कोने में या कहीं भी वो प्लेस हो जाता है। विजुअली वो कुछ वहाँ पे प्ले बटन वगैरह कुछ कंट्रोल्स दिखते हैं, तो खैर उससे हमें कोई कंसर्न नहीं है। हम बस ये चाहते हैं कि जब ये वीडियो में कन्वर्ट हो तो ये ऑडियो प्ले हो। तो अब आपको जब ये ऑडियो फाइल आपने प्लेस कर दिया है तो आपको कर्सर उस पर ही रखना है, उसको सेलेक्ट करके रखना है। जैसे एक बार दोबारा चेक करते हैं, टाइटल पे हूँ मैं, ऑडियो, ये ऑडियो है। पावर पॉइंट में जब कोई मीडिया आप इंसर्ट करते हैं तो रिबन में एक और नया रिबन ऐड हो जाता है, प्लेबैक। अब हम वहां जाएंगे, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रेंड्स, एनिमेशंस टैब, स्लाइड शो टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब, मैथ टाइप, मैथ प्लेयर, डेवलपर टैब, एक्रोबैट टैब, ऑडियो टूल्स, प्लेबैक टैब। प्लेबैक ऑप्शन में जाना है, ये तभी अपीयर होगा जब ऑडियो इंसर्टेड ऑडियो सेलेक्टेड होगा। इसके अंदर कुछ 2 या 3 सेटिंग करनी जरूरी है, वो बताता हूँ। लोअर रिबन, प्रीव्यू, बुक, एडिटिंग ग्रुप, फेड इन, फेड आउट, एडिट स्पिन, मेन्यू, स्टार्ट, कॉम्बो बॉक्स, ऑन क्लिक, ऑल्ट फॉलोड बाय। पहला ऑप्शन जो जरूरी है सेलेक्ट करना, स्टार्ट। स्टार्ट के अंदर ऑप्शन बाय डिफॉल्ट होता है ऑन क्लिक,
आप इसको चेंज कीजिए ऑटोमेटिक. प्ले अक्रॉस स्लाइड्स चेक स्टार्ट कॉम्बो बॉक्स ऑन क्लिक होल्ड डाउन एरो ऑन क्लिक बट ऑटोमेटिकली. तो ऑटोमेटिक लेना है हमें ऑटोमेटिकली. Leaving menus, turning off background apps in Windows 10 routines. एक ऑप्शन ये था और दूसरा दो ऑप्शन हम और चुनेंगे यहाँ पे. एक है प्ले अक्रॉस स्लाइड्स ताकि जो ये ट्यूटोरियल है वो चलती रहे भले ही स्लाइड्स बदले या ना बदले. हम चाहते हैं कि वो चलती Context रहे. Menu, escape. तो मैं फिलहाल वो ऑप्शन भी सेलेक्ट कर देता हूँ. Title placeholder audio. दोबारा हमें वही प्लेबैक मेन्यू में जाना होता है. Leaving menus, turning off background app, insert transitions, upper ribbon, math typed. मैं दोबारा प्लेबैक मेन्यू में जाना चाह रहा हूँ. Math player, developer, acrobat, audio tools, group, playback, tap, lower, book, room, editing. लेना है वो. Menu, audio options, group box, play across slides, checkbox not checked, all followed by JNS. एक ये भी चेक कर देना है. और एक और ऑप्शन इसके बाद आता है loop until stop, hide during show, checkbox. Hide during show. ये दोनों ऑप्शन भी चेक कर देंगे. Hide during यानी कि वो जो उसके कुछ प्ले बटन वगैरह कुछ भी हम नहीं चाहते कि स्क्रीन पे दिखे. वो दिखना जरूरी नहीं है, उसका प्ले होना जरूरी है. तो ये दो ऑप्शन सेलेक्ट कर देते हैं. ऑल राइट. इसके बाद अब हमें अब चाहिए कि इसे हम वीडियो में कन्वर्ट करें. वीडियो में कन्वर्ट करने से पहले क्योंकि यहाँ पे तीन स्लाइड्स हैं और हम चाहते हैं कि स्लाइड कुछ कुछ टाइम बाद बदले तो हमें ये टाइम डिफाइन करना पड़ेगा. ये जो मैं स्टेप कर रहा हूँ ये जरूरी नहीं है तब जब आपके पास एक ही स्लाइड है लेकिन एक से ज्यादा स्लाइड है तो ये स्टेप जरूरी है. तो इसमें आपको जाना होता है स्लाइड शो में और वहां पे आप एक रिहर्स टाइमिंग का ऑप्शन है तो वो ऑप्शन से आप कर सकते हैं कि उससे स्लाइड शो ऑन हो जाता है और ऑडियो भी प्ले होने लगता है और अब आप जब चाहें कि नेक्स्ट स्लाइड दिखाना है तो वहाँ पे स्पेस करके नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए और फिर जब फिर बदलना चाहें तो फिर से आ जाइए. एक ही तरीका है. मैन्युअली हम टाइम सेट कर सकते हैं या फिर हम ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं या एक कह सकते हैं यूनिफॉर्म भी कर सकते हैं. तो मैं वो ऑप्शन दिखाता हूँ. तो ये वीडियो में भी कन्वर्ट हो जाएगा और ये टाइमिंग भी डिफाइन हो जाएगी. इसके लिए हमें जाना है फाइल मेन्यू में. Alt F, Backstage View, File, Info Tab. फाइल मेन्यू में हमें जाना है एक्सपोर्ट ऑप्शन में. Export Tab E. और एक्सपोर्ट में हमें जाना होगा क्रिएट ए वीडियो. तो ये सारे ऑप्शंस कीबोर्ड एक्सेसिबल हैं. Export Group Box, Publishing Features, Create a Video Tab. और इसके अंदर आपको अब कुछ सिलेक्शंस करना है. Create a Video Group Box, Get Help Burn It, Video Quality Combo Box, Presentation Quality Queue. ये ऑप्शन है Presentation Quality. तीन ऑप्शंस हैं यहाँ पे किस तरह की वीडियो बनानी है कितने क्वालिटी की. Presentation Quality Button, Presentation Quality Button Selected. तो पहला ऑप्शन डिफॉल्ट Presentation Quality यानी कि बड़ी फाइल साइज होती है और ये ज्यादा सूटेबल है अगर आपको प्रोजेक्टर वगैरह पे दिखाना है. इंटरनेट क्वालिटी मीडियम फाइल्स इंटरनेट क्वालिटी ये ज्यादातर आई थिंक सूटेबल रहेगी. एक और ऑप्शन है लो क्वालिटी स्मॉलेस्ट फाइल साइज एंड लोएस्ट क्वालिटी 640x4. तो लो क्वालिटी का भी ऑप्शन है फाइल साइज छोटा रखने का. तो ये दोनों ही चुने जा सकते हैं. अभी मैं इंटरनेट क्वालिटी सेलेक्ट करता हूँ. इंटरनेट क्वालिटी बैकस्टेज Timings and narrations combo box. Don't use recorded timings and narrations. T. Timings and narrations. अब ये ऑप्शन इसमें है कि स्लाइड चेंज वगैरह का टाइमिंग यहाँ पे हमें ऑप्शन चुनना है. तो इसमें दो ऑप्शन है. Menu record timings and narrations. Preview timings and narrations. ये एक्चुअल दो तीन ऑप्शन है यहाँ पे. Record leaving menus. Don't use recorded timings and narrations button selected. अभी क्योंकि मैंने कोई टाइमिंग रिकॉर्ड नहीं की तो मैं ये ऑप्शन यूज करूंगा डोंट यूज रिकॉर्डेड टाइमिंग्स. बैकस्टेज व्यू एक्सपोर्ट ग्रुप बॉक्स क्रिएट अ वीडियो ग्रुप बॉक्स सेव योर प्रेजेंटेशन एज अ वीडियो दैट यू कैन बर्न. आप देखिए अब ये एक ऑप्शन आया है नेक्स्ट ऑप्शन 05. टाइम बैकस्टेज व्यू एक्सपोर्ट ग्रुप बॉक्स क्रिएट अ वीडियो. यहां पे हमें जो अभी मैं ऑप्शन पे पहुंचा हूं यहाँ पे टाइमिंग आ रही है 04.00 05. ये टाइमिंग है कि कितने टाइम बाद स्लाइड्स चेंज हो. तो
यहाँ पे आपको अगर आप ये यूनिफॉर्म तरीके से करना चाह रहे हैं तो ये जानना जरूरी है कि जो आपकी ऑडियो फाइल है वो कितने मिनट की है। फॉर एग्जांपल अभी फिलहाल मैंने एक एक्सपेरिमेंट के लिए केवल लगभग 2 मिनट की ऑडियो फाइल ली है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि करीब 2 मिनट को तीन तीन भाग में बांट देते हैं, तो अंदाजन करीब समझ लें कि आप करीब 40 या 50 सेकंड बाद हर वीडियो हर स्लाइड को चेंज करा लेते हैं। तो इस तरह से हम ये यहाँ पे टाइम सेट करेंगे टाइप करके या एरो की, जैसे मैं 30 30 30 40 40 49 40 47 46 45.00, जैसे मैंने फिलहाल अभी 45 सेकंड्स दे दिया है। क्रिएट वीडियो बटन, अब ये लास्ट है क्रिएट वीडियो, तो इस पे क्लिक कर देते हैं। एंटर, सेव अस डायलॉग, फाइल नेम एडिट, फाइल नेम बताना है कि कहां आप सेव करना चाहते हैं। D:\Fundamental जो भी नाम हम देना चाहे यहाँ पे दे दीजिए। ये MP4 में कन्वर्ट हो रहा है इस वक्त। Video save as type combo box MPE और MP4 ही ज्यादातर रिकमेंडेड है, तो इसे हम अब एक्सपोर्ट कर देते हैं। Enter audio, ये जो एक्सपोर्ट प्रोसेस है ये टास्क बार पे डिस्प्ले होता है स्टेटस बार में, और टाइम भी लगता है। जनरली मैंने देखा है कि जितने टाइम का आपका ऑडियो है उसका डबल तो टाइम लग ही सकता है। 2 मिनट का अगर ऑडियो फाइल है तो 4 मिनट भी लग सकते हैं इसको बनने में। View indicator slide 1 of 3 spell check errors language English India task creating video test video dot mp4 can, ये आपने सुना कि क्रिएटिंग वीडियो, तो यहाँ पे स्टेटस बार में उसका उसका प्रोग्रेस दिख रहा है और कुछ टाइम लगेगा और लगने के बाद ये वीडियो तैयार हो जाएगी। तो ये वीडियो फिर आप आसानी से किसी भी मीडिया प्लेयर में व्यू कर सकते हैं और साथ ही साथ YouTube में भी आप चला सकते हैं। उस वीडियो में आप देखेंगे कि जो स्लाइड्स आपने बनाई है जिस टाइमिंग आपने दी है उस टाइमिंग के हिसाब से वो बदलेंगे भी, तो लोग स्क्रीन पे काफ़ी जो आपने टेक्स्ट वगैरह जो भी तैयार किया वो देख भी पाएंगे और साथ साथ सुन भी पाएंगे।